नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर हल्द्वानी में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां एक और कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नगर निगम मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला आमने सामने होंगे। विधायक रह चुकी स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदेश का हल्द्वानी विधानसभा का कब्जा रहा है। इसी सीट पर कांग्रेस हाईकमान ने उनके पुत्र सुमित हृदेश को हल्द्वानी से टिकट देकर मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता वर्तमान नगर निगम मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला को भारतीय जनता पार्टी ने हल्द्वानी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है, जिसके चलते अब हल्द्वानी विधानसभा सीट का मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। उत्तराखंड में सबकी निगाहें हल्द्वानी विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं। इसको लेकर आज दोनों दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन हल्द्वानी के SDM कोर्ट में जाकर भरा है। सुमित हृदेश ने कहा कि वे अपनी माँ का अधूरा सपना पूरा करेंगे। हल्द्वानी उनका परिवार है और वे अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर दोबारा उत्तराखंड में सरकार बना रही है और हल्द्वानी के लोगों ने उन्हें हमेशा से ही स्नेह प्यार दिया है। वे हमेशा हल्द्वानी वासियों के साथ है, इस बार वो उन्हें भारी वोटों से जिताएंगे। जोगेंद्र रौतेला ने यह भी बताया कि सुमित हृदेश पहले भी मेयर का चुनाव लड़े थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हल्द्वानी से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। दशकों बाद ये अवसर आया, दशकों बाद जब यहां पे कांग्रेस का नामांकन हो रहा है और मेरी माता जी हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय हेमंत भगड़वाल जी साथ है, शोभा जी मेरे जन्म से पहले वो इनके साथ रहे, इनके सहयोगी रहे, इनका साथ दिया और आज उनका ना होना मेरे लिए जितना भावना भरा पल है, इन सब के लिए भी है, कांग्रेस पार्टी के लिए, परिवार के लिए भी है और शीर्ष नेतृत्व का तो हम आभारी प्रकट कर सकते हैं कि उन्होंने मेरे को इंदिरा जी का बेटा नहीं अपना बेटा बनाया, अपना बच्चा बनाया। कांग्रेस का, कांग्रेस मेरा परिवार है, कांग्रेस ने मुझे जिस प्रकार से आगे टिकट दिया, सिंबल दिया, अब कांग्रेस के लिए सीट जीतनी, कांग्रेस की मजबूती के लिए अंतिम क्षण तक अपने लड़ाइयाँ लड़नी। सर भारतीय जनता पार्टी से आज टिकट डिक्लेयर हो गया, जोगेंद्र पाल सिंह जो कि मेयर है यहाँ पर, इससे पूर्व में विधायक का चुनाव डॉक्टर इंदिरा हृदेश के समय में लड़े, आप कितना कंपटीशन मानते हैं उनसे? नहीं देखिए, कंपटीशन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार के झूठे वायदे थे, कंपटीशन जनता और उनके बीच में है कि जनता कितने बुरी मतों से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पीछे रखेगी और कांग्रेस को आगे करेगी। जिस निरंकुशता का सामना जनमानस ने करा है पिछले 5 वर्षों में, उसका जवाब देने का समय आ गया है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जो अच्छे कार्य करे, मेरी माताजी द्वारा जो अच्छे कार्य करे गए, इन कार्यों को हम आगे संयुक्त तौर से बढ़ाएंगे, ऐसा हम प्रण लेते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।